मुरैना गांव में दो पक्षा में पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुरैना गांव में यादव समुदाय के दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते घर में घुसकर महिला को गोली मारी। गोली लगने से नीतू नामक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आए दिन फायरिंग की घटना है, बढ़ रही है। थाना प्रभारी सिविल लाइन के धुलमुल रवैया के कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि महिलाओं को घर में घुसकर गोली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी उनसे? चार लोग थे, चार लोग गोली मार गए, इनके घर पर नहीं थे, इनकी सुन गई, तबीयत खराब हो गई। आप लोग परेशान हो, चले दे, बंद मत रहने। मेरा ये कहना है आपको वीडियो में बुरी बात, मेरा ये कहना आप जताइए मुझे क्या है, आपको मालूम नहीं रहा। चार लोग थे, एक औरत थी, तीन लड़के थे, दो लड़के औरत के थे, एक अन्य था जो रिश्तेदार बैठे थे, नरेश यादव जी बोला था। इधर तार तो गोली चलाई, तीन चार लोग थे, दो को मैंने बचा लिया था, दीपक जो आई थी दो लोग, तो दो तीन लोग चाहे फोन थे उन्होंने बता रहे आधे सुन रहे यार। फिर क्या हुआ? फिर मैं अस्पताल में लाया जाके
इसकी जगह कार्रवाई जाँच हो गई है, कई घटना को ले जाया जाकर कार्रवाई की। कितने लोग आए हैं? एक महिला को गोली लगी। भैया की क्या स्थिति है? मौके पर जांच की जा रही है, इसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है जांच में है?